हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग IPL इंडियन क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी चार बड़ी खबरों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अपने आप को IPL 2024 से ड्रॉप आउट कर लिया है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक इनके बारे में चर्चाएं चल रही थी कि ये ड्रॉप आउट हो सकते हैं और फाइनली ऐसा हुआ भी और इनके रिप्लेसमेंट की भी घोषणा कर दी गई है। इनके रिप्लेसमेंट में कौन है हम आपको बताएंगे आगे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों इनकी जो ये बाहर हुए हैं IPL से वो किस कारण से बाहर हुए हैं, क्या इंग्लैंड क्रिकेट का प्रेशर रहा है या फिर इनकी कोई पर्सनल रीजन रही है, अभी तक इनका खुलासा नहीं हुआ है। और जैसे ये खुलासा होता है दोस्तों तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये खबर जरूर पहुंचा दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इस वक्त की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों वो है इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से। जहां दोस्तों तीसरे, चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है, BCCI ने इंडिया टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई सारे बदलाव देखने को मिला है दोस्तों। 9 बल्लेबाजों को इस बार जोड़ा गया है, 4 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को और 8 गेंदबाजों को भी जोड़ा गया है। इस स्क्वाड में बल्लेबाजी क्रम में सबसे पहले रोहित शर्मा का नाम आता है, दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, तीसरे शुभमन गिल, चौथे KL राहुल जिनकी वापसी हुई है, पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे इंजरी के चलते, उनका कमबैक हुआ है। उसके बाद रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल और KS भरत को भी रखा गया है। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें दोस्तों तो ऑलराउंडर के क्रम में रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वशिकटन सुंदर को भी टीम में जोड़ा गया है। वहीं अगर गेंदबाजों के क्रम में देखें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप को भी जोड़ा गया है। और इसके बाद दोस्तों जहां तक बात हो रही थी विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने अपने आप को इस सीरीज से ही बाहर कर लिया है। यानी कि इस पूरी सीरीज में आपको विराट कोहली खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं, यानी कि अब विराट कोहली सीधे आपको IPL में ही खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की तीसरी सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही दोस्तों SA20 से। जहाँ दोस्तों SA20 जो कि साउथ अफ्रीका में IPL की तरह ही खेला जाता है, जिसे हम IPL मिनी IPL कह सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों फाइनल मुकाबला खेला गया सनराइज ईस्टर्न कैप और डरबन सुपर जायंट्स के बीच, जहाँ पर सनराइज ईस्टर्न कैप ने 89 रनों से डरबन सुपर जायंट्स को हरा दिया है। अगर मुकाबले की बात करें दोस्तों तो सनराइज ने बल्ले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 205 रनों का बड़ा सा टारगेट खड़ा कर दिया, जिसे चीज कर पाना डरबन सुपर जायंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया और डरबन सुपर जायंट्स की टीम मात्र 115 रन पर ही ढेर हो गई। और इस तरह से सनराइज ईस्टर्न कैप ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया और इस मुकाबले के साथ ये फाइनल मुकाबला भी उन्होंने जीत लिया। पिछले साल का फाइनल मुकाबला भी इसी टीम ने जीता था और इस बार की फाइनल मुकाबले में भी इनकी जीत हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सनराइज हैदराबाद की फ्रेंचाइजीज इनसे बहुत खुश होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की चौथी सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड को IPL से बाहर जाना पड़ा है, यानी कि वो IPL नहीं खेल सकते हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने कर दी है। उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने समर जोसेफ को साइन किया है। जहां दोस्तों ये समर जोसेफ उसी वेस्ट इंडीज टीम के एक तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गाबा का घमंड तोड़ा था और ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी थी। पिछले कुछ दिनों से ये बहुत हाईलाइट चल रहे हैं और इस बार तो अब वो IPL में भी कदम रख चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।